मैं आपके समक्ष एक शिक्षा पर कहानी प्रस्तुत करना चाहता हूँ। एक बार की बात है, एक गिलहरी अपने दो नन्हे मुन्ने बच्चों के साथ झील के किनारे खेल रही थी। अचानक झील का प्रभाव पड़ा और उसके दोनों बच्चे झील में डूब गए। कुछ क्षणों के लिए तो गिलहरी जड़वत समान खड़ी रही, यानी स्तब्ध हो गई कि ये मेरे साथ क्या हो गया। लेकिन फिर कुछ समय बाद वही गिलहरी झील में डुबकी लगा दी और अपने नन्हे नन्हे हाथों से झील का पानी फेंकने लगी इधर उधर। यह सब चीज गौतम बुद्ध भगवान वहां पर जो अपनी आराधना कर रहे थे, अपनी तपस्या कर रहे थे, उन्होंने भी देखा। उस समय वो भी कुछ निराश चल रहे थे। उनको देखकर उस गिलहरी से उन्होंने यह शिक्षा प्राप्त की कि जब यह नन्ही सी गिलहरी अपनी क्षमता अनुसार, जो कि असंभव कार्य है झील को सुखाना, गिलहरी तो क्या किसी हाथी या बड़े जीव के बस की बात नहीं है, लेकिन वो गिलहरी अपना प्रयास करना नहीं छोड़ रही। जो उसमें क्षमता है, जितना उसमें सामर्थ्य है, उस हिसाब से वो प्रयास कर रही है। तो मैं तो फिर भी ये जीता जागता इंसान हूँ, तो मैं क्यों अपनी सत्य, अहिंसा और शांति के पथ से